हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून. एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? टू लेट मी नो. थोड़ा इंटरनेट का इशू था. यस 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 यस. ओके, वी आर लाइव, वी आर लाइव. वेलकम बच्चों, वेलकम. आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर ब्रो मैम. हाँ, यस, वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का जो आपका चैप्टर है ना, आरएनए इंटरफेरेंस एंड ह्यूमन इंसुलिन. दो टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो मैं आज दोनों के दोनों डिस्कस करने वाली हूँ. हु इज एक्साइटेड? हु ऑल इज एक्साइटेड? बता दूँ कि हम आ गए हैं. बता दिया, बता दिया, बता दिया. बस 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 बस, ये लो भाई लोगो, ये लो कर दिया. हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, शुरू करें. सब तो पहुंचे नहीं है, बट कोई बात नहीं. ओके, तो आज हम करेंगे, सबके पास सबकी एनसीईआरटी है, यू ऑल हैव योर एनसीईआरटी. देखो, लास्ट हमने करा था बीटी कॉटन, हमने बनाया था, और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा प्लांट जो कि एक कीड़े को, कौन से कीड़े को? मेलॉयडोगाइनी इनकॉग्निटिया को खुद से ही ख़त्म कर देगा. तो वी आर गोइंग टू मेक अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट टुडे. येस, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड. चलो 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 भाई, कहाँ रह गई जनता हमारी? जनता जनार्दन कहाँ रह गई? किधर रह गए, किधर रह गए? ये हमने एक वो बना लिया क्या कि भाई पहले सेशन में आएंगे, दूसरे में नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद आएंगे ही नहीं, ये बना लिया क्या हमने? ऐसे हो गए क्या अब हम? ओके, अच्छा, मुझसे मिलने दिल्ली में कौन कौन आ रहा है? मैं दिल्ली में आ रही हूँ आने अकेडमी के स्टोर में ऑन 30th, इस संडे को आ रही हूँ. तो इस QR कोड को स्कैन कर लेना, फ्री में आप रजिस्टर करा सकते हैं वहाँ आने के लिए. मुझे फ्री में आप वहाँ रजिस्टर करा के मिल सकते हैं, और बैठेंगे, बात करेंगे. अपने दोस्तों को भी लाना, मम्मी पापा को लाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सबसे मिलके. ओके जी, देखो सारा एड्रेस वगैरह यहाँ दिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये तुम्हारा QR कोड है. फ़ोन निकाल के ना, कैमरा जो होता है उसको थोड़ा सा जस्ट पुट इट टू सम गुड यूज़, है ना, बढ़िया तरीके से यूज़ करो उसको. और फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, सब बालकों को ये बात पता है, है ना, पता है ना हमें, फिर भी हम बता देंगे कि भाई हमारा फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, और ये ऑफ़र कल ख़त्म होने वाला है. अगर कोई आप में से सब्सक्रिप्शन लेने का सोच है, दिस इज़ द राइट टाइम. मैं प्लस के ऊपर अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर करा रही हूँ. आज हम करेंगे ड्रग अब्यूज़, ओके, एंड इम्यूनिटी. आज हम ये दोनों टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं. तो देखो भाई, 6 बजे से पहले ले लेना सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेरा 6 बजे सेशन होता है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सारी क्लासेस चल रही हैं. यू हैव प्रॉपर, आपके टेस्ट होते हैं 2 हफ्ते के बाद, जितना भी सिलेबस हो चुका होता है, क्योंकि बच्चे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर सम थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, तो बाद में पछताओगे, उससे अच्छा है कि अभी आ जाओ, क्योंकि यार जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं वो तुम्हें रिकॉर्डेड में तो मिल ही जाएंगे, एंड जो बाकी है वो तुम्हें लाइव में मिल जाएगा. क्यों चांस ले रहे हो अपने फ्यूचर के साथ? मत लो यार, फिर बाद में सोचोगे अरे मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिए, मेरे तो डाउट सॉल्विंग नहीं हुई. ये सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग. एंड इफ़ यू वांट कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ बायो पढ़ना है, आप सिर्फ मेरे से बायो भी पढ़ सकते हैं. और बच्चे, सबसे अच्छा आपका जो प्लान रहेगा वो होगा आइकॉनिक का, क्योंकि यहाँ पे आपको 15% और मिल रहा है. यहाँ पे आपको एक मेंटोर मिल जाता है, पर्सनल मेंटोर मिल जाता है. मैं तो हूँ ही, मैं तो तुम्हारी मेंटोर रहूँगी ही रहूँगी, है ना. गार्गी कोड जब लगाओगे तो मैं तो तुम्हारी मेंटोर रहूँगी ही रहूँगी. उसके अलावा एक और तुम्हें मेंटोर मिल जाता है भाई, जो एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकता है, आपको गाइड कर सकता है. मैं तो रहूँगी, जब आप गार्गी कोड लगाओगे मैं तो होंगी होंगी. एक और मिल जाएगा तुम्हें साथी, जो तुम्हें हेल्प करेगा. दिस इज़ अ ग्रेट थिंग. ये यार बहुत बार क्या होता है ना, कि हम किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता क्या करना है. तो अगर हमें कोई गाइड करने वाला हो ना, तो आपकी जो जर्नी ना बहुत आसान हो जाती है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान हो जाती है.
ओके, ये बैचेस चल रहे हैं ये आपको पता ही है। और भाई नीट के अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो आ जाओ, दिला दूंगी, कुछ तो होने वाला है। ओके, चलो अनअकैडमी सेंटर्स में आप अपने टर्म्स पे पढ़ सकते हैं, इसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये सब कर लिया था, ठीक है, वी कवर्ड एवरीथिंग। ये देखो हमने मेथड्स देखे थे कि हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, फिर भाई हमने सारी प्रॉब्लम्स भी लिखी, फिर उसका सोल्यूशन भी निकाला। सोल्यूशन क्या था? जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था सोल्यूशन। ओके, फिर मैंने आपको एक और सोल्यूशन दिया कि आपको आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए अगर फ्री PDF चाहिए, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आपको क्विज चाहिए, तो उसका सोल्यूशन ये टेलीग्राम है, स्कैन करो और पहुंच जाओ। नहीं तो बच्चे बोलते हैं मैम आपके नाम से तो बहुत सारे टेलीग्राम बने हुए, कौन सा जाएं भाई, ये वाला जाओ, ठीक है, इसको स्कैन करो और आ जाओ। ये सब हमने कर लिया था। ये देखो इतना बढ़िया माइंड मैप भी मैंने बनाया था तुम्हारे लिए। ये इस कीड़े, ये कीड़ा बेचारा याद है तुम्हें या नहीं याद है? और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि BT कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थुरिजेंसिस। BT इज रेजिस्टेंट टू किसके अगेंस्ट बच्चे, किसके अगेंस्ट इसके पास रेजिस्टेंट है? पेस्ट के अगेंस्ट इसके पास रेजिस्टेंट है। कब आया था ये क्वेश्चन? 2020 में पूछा गया था, है ना। चलो आज हम करेंगे बहुत ही धमाकेदार टॉपिक, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है RNA इंटरफेरेंस, जिसको हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, या फिर हम जिसको बोलते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। बट ये कहाँ आएगा? ये आता है इस सब टॉपिक के अंदर। हम बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं बच्चों? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना रहे हैं, और उसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? RNA इंटरफेरेंस, या फिर इसको जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। अब ज़रा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम घूम जाते हो कि ये क्या हो गया, हाय अल्लाह ये क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड DNA क्यों, सॉरी डबल स्टैंडर्ड RNA क्यों बन रहा है, अब ये RNA हम नेमेटोड का क्यों ले रहे हैं DNA उसको मारने के लिए। तो एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, हाँ यस यस, कल बच्चे कल मैं ट्रेवल करूँगी ना दिल्ली, मुझे पहुँचना होगा। मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, तो यहाँ से दिल्ली जाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए मुझे कल यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मुझे कल यहाँ से निकलना पड़ेगा, 2 बजे तक निकल जाना पड़ेगा, सो दैट मैं वहाँ टाइमली पहुँच जाऊँ, क्योंकि परसों मुझे दिल्ली के सेंटर में पहुँचना है। इसलिए चलिए जी, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए मुझे ये देखना है कि मैं किसके अगेंस्ट, ये ना एक यहाँ पे ये देखो जरा इस फोटो को देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये फोटो को देख के तुम्हें ये दिख रहे हैं यहाँ पे कैसे आउट ग्रोथ्स हो रहे हैं, कैन यू सी दीज? और यहाँ जूम करके भी दिखाया हुआ है, हाँ या ना बोलो बच्चे, ये क्या है? ये एक बीमारी लगी हुई है तुम्हारे प्लांट को। कौन से प्लांट को? तंबाकू के प्लांट को। वैसे मैं तो बोलती हूँ इसको बीमारी लगी रहे, इसको ठीक करने की क्या ज़रूरत थी? भगवान ने ही भेजा था इस कीड़े को कि जाओ तुम मिलाइडो गाइनी, तुम जाओ और इनकी फसल ख़राब करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इंसान तो मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं 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 तंबाकू कैसे ख़राब हो जाए, और चीज़ें ख़राब हो जाएँ चलेगा, लेकिन तंबाकू कैसे ख़राब हो जाए? तो मैं तो बोलती हूँ ये बनाना ही नहीं चाहिए था, बट अब क्योंकि तुम्हारी NCERT में दिया हुआ है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना बच्चे? बताओ तुम्हारे क्या थाट्स हैं इसके ऊपर, बोलो। लैग हो रहा है, यार लैग नहीं होना चाहिए, मैं बहुत ही मुश्किलों से तुम्हारी क्लास ले पा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा, ओके यस यस, ठीक है ठीक है, ओके बच्चे देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं आई हुई हूँ, आई एम विद माय फैमिली। और मैं आपको पहले भी बोला है कि या तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं जब आप अपने घर से आते हैं, ठीक है, जब आप वेकेशन पे आते हैं, कि या तो आप काम बिल्कुल छुट्टी कर दो कि मैं क्लास ही नहीं लूँगी,
दो ऑप्शन होते हैं ना बच्चे, दो ऑप्शन होते हैं ना, एक ये है कि छुट्टी कर लो, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि चाहे कैसे भी कंडीशन हो मैं तुम्हारी क्लास लूँ। तो आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो। आपने मुझे देखा है, मैंने पाँच दिन आपकी क्लास कितनी मुश्किलों से ली है। यू आर ऑल्सो, हाँ आप भी देख रहे हो बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए बताओ, बोलो कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए कि मैं चाहे कैसा भी हो आपका लेक्चर ले लूँ ना। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ना उसमें बैठने में मेरे को प्रॉब्लम है, द चेयर इज़ नॉट वेरी गुड फॉर माई बैक, टेबल इतना छोटू सा है, इतना सा जिस पे बस मैंने लैपटॉप और मेरा आईपैड आया हुआ है। अब घर पे थोड़े ना सारा सेटअप होता है ना, यस बट आई एम मेकिंग एन एफर्ट, है ना, आई एम मेकिंग एन एफर्ट कि आपका चाहे बैठने में मुझे दिक्कत हो रही है लेकिन आपका कुछ मिस ना हो। ओके कल मैं ट्रैवल कर रही थी, कल भी मैं ट्रैवल करूँगी, परसों मैं वापस जाऊँगी अपने घर मुंबई, तो मैं जितना कोशिश कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ बच्चे। अदरवाइज़ नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या कहते कि छुट्टी कर देते कि मैं यहाँ से इतने तारीख तक तुम्हारी क्लास नहीं ले सकती हूँ, बट मैंने कुछ और करा है ना। चलो लेकिन चलो कंसिस्टेंसी की कदर नहीं होती है, इट इज़ ओके कोई बात नहीं, बट मेरे को तो अच्छा लगता है ना कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा करा। मतलब मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आपको भी ना बच्चे लाइफ में अपनी तरफ से बेस्ट देना है। आप ये मत सोचना कभी कि अरे यार उस टाइम पे मैं ये कर लेती तो क्या हो जाता। तो मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं अपनी लाइफ में ये सोच के परेशान नहीं होने वाली कि हाय मैं उस टाइम पे लेक्चर ले लेती चाहे मुझे दिक्कत होती लेकिन मैं ले लेती तो कंसिस्टेंट रहती तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट इज़ वाई आई एम सेटिस्फाइड, और मेरे लिए मेरा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं तुम्हारी क्लास कैसी भी हालत में हो जब ले पाऊँगी तो लूँगी, ज़रूर लूँगी। अब यार कल तो ट्रैवल कर रही हूँ कि गाड़ी में होंगी तो बड़ा मुश्किल है लेना, वो तो नहीं है, इतनी भी कोई मैं तूफानी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सुपर वूमन, वो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ऐसे छोटू सी जगह पे इट्स ये बहुत ही छोटू सा टेबल है, बड़ी मुश्किल है इसमें, बट फिर भी मैं ले रही हूँ तुम्हारी क्लास एनीवे। हाँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई तंबाकू के प्लांट को बचाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत थी बच्चे क्योंकि ये है आपकी सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली इंडस्ट्री, तंबाकू की इंडस्ट्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा आता है यहाँ से। तो तुम तंबाकू के प्लांट को मरने नहीं दोगे, इसलिए तुमने क्या करा, भगवान ने तो बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ आपका ये नेमेटोड को भेज दिया था कि इंसान ना खाए। लेकिन भगवान जी को ये तो पता नहीं था कि जो इंसान है वो तो बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है, राइट बच्चे, ठीक है। अब कौन सा नेमेटोड था, कौन सा कीड़ू था, अब हम कीड़ू को मारेंगे भी, देखो बेचारे कीड़ू को, इस कीड़ू को मारते हुए मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि ये तो अच्छा काम करने ही आया था, इसको तो हम फालतू में मार रहे हैं, है ना। तंबाकू का सेवन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो जब भी आप भी कॉलेज में जाएंगे एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, कूल लगने के लिए आप बुरी आदतों में फंस जाते हैं बच्चे। इससे बिल्कुल एकदम अपने आप को ना कसम खा लेना कि मैंने ना लाइफ में ये चीज़ नहीं करनी कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। यस हाँ चलो, इंसान के अंदर कीड़ा है, बिल्कुल इंसान के अंदर बिल्कुल कीड़ा है। चलो यस ऑल राइट, सो मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटिया ये क्या करेगा बच्चे, इन्फेक्ट करता है। ये क्या करता है, इट इन्फेक्ट्स, आ जाओ अब इसकी कहानी देखते हैं, इन्फेक्ट्स द प्लांट्स, इन्फेक्ट्स द रूट्स। रूट्स पे देखा था ना हमने कैसे गांठे बना ली थी, और गांठे जो ये बन जाती हैं इनको हम बोलते हैं रूट नॉट, कौन सी डिजीज बोलते हैं, रूट नॉट डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे, यहाँ नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाती हूँ, मैं दिख जाएगा, ये देखो मान लो ये है तुम्हारी रूट, यहाँ पर भी रूट है, तो यहाँ पे देखो कैसे गांठे बन गई,
ये क्यों बन गई बच्चे, क्योंकि वो यहाँ पे आके रहने लगा है, खा रहा है इसको, रह रहा है यहाँ पे, और बीमार कर दिया इसको, इसका सारा न्यूट्रिशन ले लिया, तो बेचारा प्लांट क्या करेगा, मर जाएगा। अब हमने इसको, इससे छुटकारा पाने के लिए मेरी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में, सिर्फ मेरी में नहीं, तुम्हारी में भी, हाथी के में भी, घोड़े के में भी, डॉगी के में भी, सबकी बॉडी में, जो कि आपके यूकैरियोट्स होते हैं मोस्टली, उनकी बॉडी में ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है इसको? मैं ना आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ और आप मुझे ना आंसर करोगे कुछ चीज़ों का, अदरवाइज अगर आप मुझे आंसर नहीं करोगे ना, आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। आरएनए इंटरफेरेंस या फिर आरएनएआई, या फिर हम इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, ये सब क्यों बोला जाता है मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, ठीक है? या फिर हम इसको बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ये तीनों इसी के नाम है, ये तीनों बच्चे किसके नाम है, इसी के नाम है, ठीक है जी, इसी के नाम है तीनों के तीनों। अब हम क्या करेंगे, ये होता क्या है, ये होता क्या है, देखो, जब भी आपकी बॉडी में, ये मैं रफ बना रही हूँ, जब भी आपकी बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है ना, भाई तुम बोलोगे मैम ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ से आया, वो मैं बताऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी के लिए फॉर नाउ होल्ड योर हॉर्सेस। आपकी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख गया, तुम्हारी बॉडी सोचेगी क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखना, तुम्हारी बॉडी में पाया जाना नॉर्मल चीज़ है, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, इज दैट अ नॉर्मल थिंग, बोलो बच्चे क्या ये नॉर्मल बात है? और अभी तक लाइक किस किस ने नहीं करा है, कौन कौन ऐसा है जिसने लाइक नहीं करा है, बोलो फटाफट से लाइक करो सेशन को, हाँ नहीं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, तो मतलब कुछ गड़बड़ होगी, यस कुछ गड़बड़ होगी, इसकी वजह से आपका आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो जाता है। ये चालू होता है तो क्या होगा, देखो ये इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर देता है, क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कर देता है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, हाँ डन डन डन, ओके, पहला स्टेप में क्या करेगा, ये इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर देगा, कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अच्छा नहीं एक मिनट, सॉरी, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप विल बी ये, फर्स्ट स्टेप में बच्चे सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं करेगा, पहले स्टेप में ये इसके छोटे छोटे टुकड़े बना देगा, बना दिए छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, ठीक है, जिनको हम स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोलते हैं, वो मैं लिखवाऊंगी तुम्हें, डरने की बात नहीं है, बना दिए जी छोटे छोटे टुकड़े। अब फिर इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद ये इसको सिंगल स्ट्रैंडेड करता है, अभी मैं सिर्फ रफ में आपको बता रही हूँ, हम लिखेंगे फेयर में लिखेंगे, डोंट वरी। तो इसने इसको सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया। अब बच्चे एक और चीज़ ये करता है कि ये वाला स्ट्रैंड, अब ये कौन सा होगा तुम मुझे बताओगे थोड़ी देर में, मैं तुमसे पूछने वाली हूँ, एक स्ट्रैंड को इसने डिग्रेड कर दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया, ओके। अब इसके ऊपर आरएनए था, चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, ये तुम्हारा आरएनए है बच्चे, दिस इज़ योर मैसेंजर आरएनए, ओके, मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करवा दी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवा दी, तो क्या ये मैसेंजर आरएनए अब काम करेगा, क्या ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा? तुमने इसको सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड कर दिया, बोलो क्या ये काम करेगा? दिस वॉज द मैसेंजर आरएनए, मैंने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला एक सेगमेंट लगा दिया, अब क्या ये काम करेगा, बोलो फटाफट से, यस रिचा तुम सही बोल रही हो, अभी भी हैं कुछ स्टूडेंट जिन्होंने लाइक नहीं करा, नहीं करेगा ना, अच्छा वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जो यहाँ देखो,
या हमने इनको सिंगल स्टैंडर्ड कर लिया था ना, तो बच्चे अब हम पता है क्या करते हैं, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम इनके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि ये आपका आरएनए कोई भी प्रोटीन ना बना पाए। तो तुम्हारे बॉडी में, मान लो तुम्हारे बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, है ना, कोई पैथोजन आ गया, क्यों, वायरस आ गया। कभी कभी क्या होता है कि वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेके आ जाता है, तो तुम्हारी बॉडी ने देखा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया, गड़बड़, तो उसने क्या करा, उस आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया, एक स्ट्रैंड को उड़ा दिया और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर इसने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके इसको क्या कर दिया, यूजलेस बना दिया। अब ये वाला स्ट्रैंड प्रोटीन तो नहीं बना पाएगा, इसको हम फेयर में लिखेंगे, डरेगा नहीं कोई भी बच्चा, ओके। क्या बच्चे मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि मैंने इसका मुंह बंद करा दिया, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपका आरएनए था, जो आरएनए मुझे नुकसान पहुँचा सकता था, अगर ये प्रोटीन बना लेता तो मुझे तो नुकसान पहुँच जाता, मेरे बॉडी में पैथोजन अगर अपने आरएनए से प्रोटीन बना लेता मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मैंने क्या करा, मेरे पास भी तूफ़ानी हथियार था, मेरे पास भी इसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग आरएनए था और मैंने इसको चुप करा दिया। क्या ये बोल सकती हूँ मैं, चुप करा दिया, बोलो, करवा दिया ना चुप। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जीन साइलेंसिंग, क्योंकि आपका मैसेंजर आरएनए अब किसी काम का नहीं रहा, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब तुम बोलोगे मैम आपने एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्यों बोला इसको, क्या ये वाला सवाल किसी बच्चे के मन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से बताओ, बोलो ये वाला सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर मैं तुम्हें पिटाई करूंगी तुम्हारी कि तुम क्वेश्चंस नहीं सोच रहे हो अपने दिमाग में। बोलो क्यों बोला मैम इसको, क्यों बोला आप बताइएगा। चलो ठीक है, आ रहा है, क्या बात है, सबके दिमाग में आ रहा है, यस मैम, क्यों, यस मैम, ओके, यस। इसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जाता है कि आपको बच्चे सेंस स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड का कुछ सेंस है या नहीं है। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सेंस स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड का पता है, फटाफट से बताइएगा, बोलो। हरक्यूलीज बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से क्लियर है तो मतलब क्या बात है, अलग ही बात हो जाएगी ये तो। चलो अब मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, देखते जाओ। मान लो ये आपका एक स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड बना रही हूँ, 5' to 3', तो 3 to 5 क्या हो जाएगा बच्चे, 3 to 5 हो जाएगा आपका TACCCC, ये हो जाएगा, है ना, 3 to 5 ये हो जाएगा। दिस इज डीएनए, डीएनए से अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मैं कौन से स्ट्रैंड से बनाती हूँ आरएनए, कौन से स्ट्रैंड से बनता है आरएनए, इसमें से कौन सा स्ट्रैंड है जो कोड करेगा, ये वाला पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, कौन सा है जो कोड करेगा, कोड बच्चे ये वाला करता है हमेशा, 3 to 5 वाला करता है, क्योंकि आपका पॉलीमरेज दूसरी डायरेक्शन में काम करने वाला है, 5 to 3 काम करने वाला है, सो दिस इज़ द वन जो कोड करेगा। लेकिन भाई जो कोड करता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बोलते, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। सो दिस इज़ योर सेंस स्ट्रैंड एंड दिस इज योर एंटी सेंस स्ट्रैंड, तो समझे एंटी सेंस स्ट्रैंड वो है जहां से तुम मैसेंजर आरएनए बनाने वाले हो। और ऐसा क्यों बोला जाता है वो भी बताती हूँ, तो यहां आ जाएगा आपका AUGGGG। बच्चे ये बना तो इसको देख देख के है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसका सीक्वेंस मिलता किससे है, इस स्ट्रैंड से मिलता है, तो हम इसलिए बोलते हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ना ये सेंस बना रहा है,
इसलिए हम इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. दिस इज योर मैसेंजर आरएनए. लेकिन बच्चे मुझे एक बात तो बताओ कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवानी है तो क्या मुझे सेंस स्ट्रैंड चाहिए होगा या एंटी सेंस स्ट्रैंड चाहिए होगा? बोलो. लग आया. अभी तो नहीं आ रहा लैग. चलो फिर से देखो, फिर से समझो. ये तुम्हारा डीएनए है. ये क्या है? डीएनए है. लो यार मैं थोड़ा और क्लियर करके बना देती हूँ. 5' ए टी जी 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 जी, ये 3', ठीक है. फिर से बना रही हूँ. फिर 3' वाला क्या हो जाएगा? टी ए सी 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 सी. ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये सबको पता होनी चाहिए. इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया यहाँ पे. सुंदर सुंदर राइटिंग में फिर से बता रही हूँ मैं तुम्हें. ये लो, ये आ गया तुम्हारा डीएनए. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ योर डीएनए. ये तुम्हारा डीएनए आ गया. ओके, अब डीएनए में कौन सा स्ट्रैंड है जो मैसेंजर आरएनए को बनाता है? 3' से 5' वाला है जो मैसेंजर आरएनए को बनाता है. इसका मतलब है कि मैं इससे, इसको रेफरेंस लेके मैसेंजर आरएनए को बना रही हूँ. ये देखो, इसको रेफरेंस ले रही हूँ. इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है जब मैसेंजर आरएनए फाइनली बनता है ना, तो ये जो आपका सीक्वेंस आया, दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी सिमिलर टू दिस वन. इसलिए बच्चे इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोड करता है ना, ये नहीं है. और इसलिए इसको एंटी सेंस बोल देते हैं. जो उल्टे वाला हो गया वो एंटी सेंस हो गया. बट दिस इज टेम्पलेट. क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली इसके जैसा होता है, बट ये बना नहीं रहा है तुम्हारा. यू नो बच्चे, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता ना कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, फिर तो मतलब तुम जाके ना मेरा पहला सेशन देखो, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ नहीं बैठना है, फिर यहाँ नहीं बैठना है. चलो चलो आ जाओ. ओके, तो क्या हुआ? ये इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसके साथ हो रही है, बट एग्जैक्टली किसके जैसा है? इसके जैसा है. तो इसलिए हमने इसको सेंस ट्रेंड बोल दिया और इसको एंटी सेंस बोल दिया. लेकिन अब बताओ भाई, यहाँ जो हमने करा था, मैंने बोला था इसका मुंह बंद करवा देंगे. भाई इसके लिए तुम कौन सा स्ट्रैंड यूज़ करोगे? क्या आप इसके लिए सेंस स्ट्रैंड यूज़ करोगे? सेंस के साथ तो ये बेस पेयरिंग कर ही नहीं सकता. वो तो बिल्कुल इसके जैसा है. ये बेस पेयरिंग किसके साथ करेगा? बोलो फटाफट. रीना को देखो. मैम कुड यू एक्सप्लेन डीएनए? रीना, मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पूरा करवाया, जाके पढ़ के आ. चल चलो. ओके ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? बच्चे ये ना, मैं दसवीं तो बहुत ज़्यादा क्लास हो गई, 7वीं क्लास के बच्चे को भी बताऊंगी ना, उसको भी समझ में आ जाएगा. दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. पता चल रहा है साफ कि कहाँ पे बेस पेयरिंग हो रही है. इधर इसके साथ तो हो ही नहीं सकती बेस पेयरिंग. कैसी बातें कर रहे हो? एंटी सेंस. अब यहाँ पे हम कौन से वाला स्ट्रैंड है जिसको रखेंगे? एंटी सेंस को रखेंगे, तभी तो वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा. तो बच्चे ये कौन सा स्ट्रैंड होगा? एंटी सेंस होगा, क्योंकि सेंस तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ही नहीं सकता. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी बोला जाता है. ठीक है, दिमाग खुला रखो, कान खुले रखो, आँख खुली रखो, नहीं तो फिर वही है, पूछते रह जाओगे मैम डीएनए क्या होता है, है ना? पूछते रह जाओगे मैम डीएनए क्या होता है. इतनी बुरी हालत मत होने देना अपनी. इसको मैं उधर पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, आ जाओ. तो हमें बेसिक समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, कैसे नेमेटोड मरने वाला है. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना जी. नेमेटोड कैसे मरने वाला है, थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया. थोड़ा थोड़ा, पूरा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा.
आरएनए इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। बच्चे हमने किसको चुप कराया था? मैसेंजर आरएनए को चुप कराया था ना, उसकी साइलेंसिंग करा दी थी। तो इसीलिए ये किसके ऊपर बेस्ड है, यही होने वाला है इसमें। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मैसेंजर आरएनए बन गया, फिर उसके बाद तो मैसेंजर आरएनए को चुप करा दो, बेचारा प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा। दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। अब तुम बोलोगे कि मैम फिर आते कहाँ से है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बताती हूँ। एंड आरएनए इंटरफेरेंस इज अ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूकैरियोट्स में दिस इज अ सेलुलर डिफेंस का मेथड है। कब इनिशिएट होता है बच्चे, कब इनिशिएट होगा बताओ? मैं नहीं बताऊंगी अब तुम्हें। वेरी गुड निधि, वेरी गुड। बट रिधि निधि मैं तुम्हें बोलूंगी कि मत लगाओ क्लास, रहने दो बच्चे। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए ना तो क्लास नहीं लगानी चाहिए। अब मेरी बैक में इतना प्रॉब्लम है ना इस चेयर पे बैठ के कि मुझे बीच बीच में ना ऐसे उठना पड़ रहा है। चलो ठीक है निधि, प्लीज़ क्लास मत लगाओ प्लीज़। ओके चलो बच्चे, कब होगा? जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। वेरी गुड केशव, वेरी गुड वेदमती, वेरी गुड, वेरी गुड नितिका, निकिता निकिता। हाँ जब अब फोन इधर रखा हुआ है ना, मेरे को ऐसे देखना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। चलो इनिशिएटेड, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। तो अगर मैं बोलती हूँ ना चीज़ें, चाहे आप लिख भी ना रहे हो, अपने मन में आँख बंद करके सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर जब मैं बताती हूँ, अगर आंसर सही है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आंसर गलत आ रहा है ना बच्चे तो थोड़ा सा पीछे जाके उस चीज़ को समझ लो। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा ही स्पीड होता है, नहीं, कुछ बच्चों को जल्दी से समझ में आता है, एक ही बारी में आ जाता है, कुछ को दो में, कुछ को पाँच में आता है, कुछ को दस में भी आता है। लेकिन निराश होके सेशन छोड़ के चले जाना इज नॉट द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है ही नहीं। भागना नहीं है चीज़ों से, लड़ना है। आप क्या हो बच्चे, आप क्या हो? यू आर गार्गियंस। क्या मैम छोड़ के जाती हैं? नहीं। सो आई ऑल्सो वॉन्ट माई बच्चास टू बी लाइक मी ओनली। लड़ते रहना है। तुम्हें पता है मेरे को हेल्थ के कितने इश्यूज हैं, बट आई एम द मोस्ट कंसिस्टेंट टीचर ऑन यूट्यूब। यस, भीड़ नहीं है मेरे सेशन में, भीड़ नहीं है ना 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 ना, भीड़ नहीं है, क्वालिटी है। माई जॉब इज नॉट टू जस्ट मेक यू रीड एनसीईआरटी, मेक यू रिमेंबर द पॉइंट्स गिवन इन एनसीईआरटी। माई जॉब इज ऑल्सो टू मेक यू लर्न लेसन्स ऑफ लाइफ। क्योंकि यार नीट क्लियर करके डॉक्टर बन के जॉब अच्छी कर लोगे, लेकिन लाइफ अच्छी कैसे होती है जब आपको लाइफ के लेसन्स भी बताऊँ? लाइफ तब अच्छी होती है। ओके इनिशिएटेड व्हेन देयर इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए, करेक्ट हो? यस। ओके चलो चलो, ओके यस, ये तब इनिशिएट हो जाता है। अब तुम बोलोगे मैम लेकिन हमारे शरीर में कहाँ से आई डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किधर से आया? आएगा, मैं बताती हूँ सोर्सेस। भैया तो वायरस आ जाए, चमत्कारी। वायरस विद आरएनए जीनोम, ये गड़बड़ करता है, ये आपके शरीर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा, ये गड़बड़ नंबर वन। दूसरा बच्चे, आपके शरीर में देयर आर सम, मैं पहले लिख देती हूँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं ट्रांस पो जोन्स। ओके,
या फिर दे आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स. अब तुम बोलोगे मैम क्या हमारे डीएनए में जीन्स जंप करते रहते हैं? नहीं, जंप नहीं करते हैं. आई विल मेक अ डायग्राम हियर व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन. देख लो, जंप नहीं करेगा भाई कोई. ठीक है बच्चे, मान लो ये तुम्हारा डीएनए है. डीएनए का एक पोर्शन मैंने लिया, उस पोर्शन में लेट अस से ये वाला पोर्शन जिसको मैंने पिंक कर दिया है, ये पोर्शन आपका कट होकर, रिमेंबर कैसे कट होकर टूट गया. ठीक है, यहां से और यहां से कट हुआ, कट होके बच्चे यहां कहीं फिर से ऐड हो गया, अटैच हो गया. तो ऐसा लगता है कि भाई यहां से यहां कैसे आ गया, तो हमें ऐसा लगता है कि कूदी मार ली मेरे जीन ने, क्या कर ली, कूदी मार ली. लेकिन एग्जैक्टली कूद थोड़े ना रहे, वो तो बेचारा कॉपी पेस्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. ऊपसी, ये लो. है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है बेचारा. ये लो, ये यहां आ गया. तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स या फिर जंपिंग जीन्स. ऐसे नहीं कूद रहा है. चलो ठीक है, डन डन डन, करेक्ट. इतनी बात सबको समझ में आई, क्या कर रहे हैं ये भाई, सच में कूद नहीं रहे हैं, सच में नहीं कूद रहे हैं. ठीक है, सच में कोई नहीं कूद रहा है, बट कट पेस्ट हो रहा है, यहां से यहां चला गया. या फिर बच्चे कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, कॉपी पेस्ट भी हो सकता है या कट पेस्ट भी हो सकता है. दोनों ही केस में आपका ये वाला सेगमेंट दूसरी जगह भी पाया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स या फिर जंपिंग जीन्स. तो कारण पता चल गए, सोर्सेस पता चल गए. अब हम जरा बना लें, अब हम जरा अपना नेमेटोड को मारने का सामान बना लें. हाँ या ना, कौन कौन मेरे साथ है? डन मैम, डन मैम. हाँ जी, चलो तुम इतने ये लिखो, मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, आज मैं लेना भूल गई. इतने तुम लिखो, हम देखेंगे कि हम कैसे बनाने वाले हैं, हमारा क्या सीक्वेंस होगा. सो विल राइट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. बिल्कुल एकदम प्रॉपर तुम्हें माइंड मैप के ठीक है. चलो, माइंड मैप्स के लिए कौन कौन एक्साइटेड, हु इज एक्साइटेड फॉर द माइंड मैप्स. देखो, सबसे पहला स्टेप है कि हमने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन निकाली. अब तुम बोलोगे मैम हमने नेमेटोड का ही जीन क्यों लिया. हाँ, हमने नेमेटोड का ही जीन क्यों लिया बच्चे. लॉजिक वही है, लॉजिक वही है. अगर मुझे मान लीजिए ये नेमेटोड का आरएनए है, मान लो ये नेमेटोड का आरएनए है,
इस नेमेटोड के आरएनए के कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आपको कहाँ मिलेगा? हाथी में मिलेगा, ए ए हाथी में मिलेगा, बी डॉग में मिलेगा, सी कैट में मिलेगा, डी नेमेटोड में मिलेगा, बताओ। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको जो भी सीक्वेंस चाहिए तो बच्चे वो कहाँ मिलेगी तुम्हें? हाँ कहाँ मिलेगी? हाथी में मिलेगी, डॉग में मिलेगी, कैट में मिलेगी, नेमेटोड में मिलेगी। मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर जीन सीक्वेंस चाहिए तो इसी के अंदर तो मिलेगी, है ना भाई? साफ सीधी बात है। इसलिए बहुत सारे बच्चे वो हो जाते परेशान कि मैम हमने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन ही क्यों लिए, क्योंकि बच्चे मेरे को इसी को तो साइलेंट करना है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इसी से तो मिलेगा। हाथी से तो नहीं मिलेगा, इंसान से भी नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया से नहीं मिलेगा, डॉगी से नहीं मिलेगा, बिल्ली से नहीं मिलेगा, इसी से मिलेगा, है ना? हाँ चलो चलो, अभी ये वाली बात क्लियर होगी ना सबको बस। आई एम ऑल्सो रिलीव्ड। अच्छा अब मुझे बताओ, क्योंकि हम प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वेक्टर कौन सा लूंगी? नाम बताओ फटाफट से, कौन सा वेक्टर लेंगे हम? पढ़ा है तुम्हें पिछले चैप्टर में, पढ़ा है? हाँ टी आई, वेरी गुड। लिखो फिर TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड विच इज गोइंग टू बी यूज एज अ वेक्टर ऑफ वॉट? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। ठीक है जी, आ गया। टोबैको का प्लांट आपका बन गया, ये ट्रांसजेनिक बन चुका है, ये तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन चुका है। हमने ये प्लांट बच्चे इस तरह से बनाया कि इसके अंदर आपकी NCERT ना कुछ चीज़ें स्किप कर चुकी है इस नेमेटोड वाले पार्ट में। वो बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक जीन डाली बच्चे, लेकिन आइडियली हमने तीन जीन डाली थी इसमें। एक नेमेटोड की जीन, दूसरी ऐसी जीन डाली जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड RNA बनता था। क्या बनता था? डबल स्ट्रैंडेड RNA बनता था। तो यहाँ पे आपका DNA बना, ठीक है, नॉर्मल DNA बना, DNA तो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। DNA से बच्चे जो RNA बनाना, हमने एक ऐसी जीन भी डाली इसमें कि वो RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA बनता था, जिसके पास सेंस भी स्ट्रैंड था, एंटी सेंस भी स्ट्रैंड था, ठीक है जी। चलो इसके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड RNA, अब नेमेटोड आ गया खाने, प्लांट को खाने आए नेमेटोड के अंदर भी ये डबल स्ट्रैंडेड RNA चला जाएगा। नेमेटोड बहुत छोटू सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। वो जब खा रहा है ना, तो जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जा भी सकता है, चला जाता है उसके अंदर। और उस टाइम पे अगर उसके सिस्टम में डबल स्ट्रैंडेड RNA चला गया तो क्या RNA इंटरफेरेंस शुरू नहीं होगा बच्चे? फटाफट से बताओ, बोलो। अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA चला गया तो इज दैट नॉट गोइंग टू इनिशिएट RNA इंटरफेरेंस? यस मैम, शुरू होगा या नहीं होगा RNA इंटरफेरेंस? होगा, यही तो हम चाहते थे। अब तुम्हें आगे की कहानी देखो, तुम्हें पता है मैं बता चुकी हूँ आगे की कहानी बच्चे, आपको पता है, जो कि मैं अगले पेज पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब ये मत बोलना मैम आगे की कहानी नहीं पता। अब तुम्हें पता है कि कौन सा स्ट्रैंड किसको साइलेंट करने वाला है? यू नो दैट। अब तुम मुझे बताओ कौन सा स्ट्रैंड किसको साइलेंट करेगा। यहाँ मैं लिख रही हूँ फिल इन द ब्लैंक, जिसको तुम फिल करने वाले हो, यह है फिल इन द ब्लैंक। साइलेंट नेमेटोड
मैसेंजर आरएनए कौन सा स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड, बताओ बताओ बताओ, अभी बताया अभी बताया, कौन सा स्ट्रैंड साइलेंस कर देगा, विच स्ट्रैंड इज गोइंग टू साइलेंस द नेमेटोड का मैसेंजर आरएनए, रिंग ऑफ एजेंट, सारे चैप्टर होंगे बच्चे, सारे चैप्टर होंगे, वेट वेट वेट, एंटी स्ट्रैंड, एंटी सेंस, यहां लिख दें फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, एंटी सेंस, ऐसे ही होगा, ऐसे तुम ऐसे ही याद होगी तुम्हें ये चीज, बीच बीच में पूछती रहूंगी तभी याद होगी, नहीं तो याद नहीं होगा ये, है ना है ना है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे ना कुछ थोड़ी मैं वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देती हूँ कभी कभी इस पार्ट को, तुम्हें चाहिए तो बताई बताओ एग्जैक्टली ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब बनता है और आरएनए इंटरफेरेंस शुरू होता है तो बच्चे सीधा एंटीसेंस स्ट्रैंड साइलेंट नहीं करता इसको, बीच में ना दो तीन पार्ट होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसको अगर मैं नीचे रख दूँ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये था तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मैं बता देती हूँ तुम्हें पूरा प्रोसेस बता देती हूँ, दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, पहला स्टेप मैंने तुम्हें क्या बोला था कि क्या होगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम, यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल तरह का प्रोटीन आता है जिसको हम बोलते हैं डाइसर प्रोटीन, क्या बोला जाता है बच्चे इसको, डाइसर प्रोटीन, ये बड़ा खतरनाक प्रोटीन है, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक प्रोटीन है, इसको हम बोलते हैं डाइसर, डाइस करना क्या होता है, कट करना, टुकड़े टुकड़े करना, तो इसका काम क्या होगा, कट कर देना, ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगा, कर दिया, आपके आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बन गए बन गए बन गए बन गए, यही बात करी थी ना मैंने, मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, यही बात करी थी, इनको हमने बोला स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, इनको हमने बोला स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, या फिर मैं इनको siRNA बोल सकती हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या था फटाफट से बता दो, दूसरे स्टेप में हमने क्या करा था बच्चों, क्या करा था दूसरे स्टेप में, मैंने क्या बोला था कि इसको मैं सिंगल स्टैंडर्ड कर दूंगी, कर दूं सिंगल स्टैंडर्ड, यस, कॉपी पेस्ट, याद है कि नहीं, ये लो ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड, बना दिया हमने सिंगल स्टैंडर्ड। अब सिंगल स्टैंडर्ड बनाने का काम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोटीन करता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे, इट इज नोन एज रिस्क, ठीक है, यहाँ पे राइबोजाइम आता है और यहाँ पे रिस्क आ जाता है, रिस्क, व्हाट इज रिस्क, रिस्क इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये इनिशिएट हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये आपके स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए को ओपन कर देता है, ठीक है, ओपन कर देगा और फिर इनको सिंगल स्टैंडर्ड बना देता है, सिंगल स्टैंडर्ड बना देता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हुए बच्चे, अब आपके पास ये क्या बचा, क्या बचा ये, व्हाट इज दिस, इसके ऊपर अब हम कौन सा स्ट्रैंड लाके रख देंगे, इसके ऊपर अब हम कौन सा स्ट्रैंड लाके रख देंगे, एंटीसेंस स्ट्रैंड साइलेंट कर देगा आपके मैसेंजर आरएनए को, मतलब बोले तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे तुम्हारे ये टुकड़े हैं, टुकड़ों को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड से ढक देंगे, अब क्या करेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड से, यस वी आर गोइंग टू लेट अस से बच्चे, ये है तुम्हारा नेमेटोड का आरएनए, मान लीजिए ये नेमेटोड का आरएनए है, अब हमारे पास इससे कॉरस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए तो पड़ा ही हुआ है, ये रहे, ये कहाँ आएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, इसको चुप करा देंगे, ये लो, मतलब ये नीचे है ना, तो मेरे से ऐसे करके ऐसे,
ये रहा। तो ये कौन सा स्ट्रैंड था? ये एंटी सेंस स्ट्रैंड था जो हमने बचा लिया था। सेंस को तो हमने निकाल दिया, हमने बोला इसकी जरूरत नहीं हमें। ये नेमेटोड का आरएनए था, दिस वाज नेमेटोड का आरएनए। क्या अब ये काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये इसको तुमने साइलेंट करा दिया, चुप करा दिया है। तो यहाँ पे होगी जीन साइलेंसिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोटीन, नो प्रोटीन, नो प्रोटीन। तो आपका जो कीड़ा था वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये रहा कीड़ा, ये रो रहा है, ये मर चुका है, कीड़ा मर चुका है बच्चों, कीड़ा मर चुका है। इस तरीके से तुम्हारा कीड़ा मर जाएगा। चलो, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था। यस, ये पार्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अगर आपको ये लगता ना कि नहीं मैम ये हमें ज़्यादा लग रहा है, तो आप पता है क्या कर सकते हो? इट्स ओके, कोई आपको पूछेगा नहीं। मैं देखो ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि हाय 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 डरा दूँ तुम्हें कि नहीं 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 ये आ गया। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया तुम्हें कि देर आर सम स्टेप्स। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये हमें नहीं समझ में आ रहा या याद नहीं रहेगा, आप ये स्टेप्स को बच्चे स्किप कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा इनके बारे में। आप सीधा लिख सकते हो कि एंटीसेंस स्ट्रैंड साइलेंट करा देता है नेमेटोड को, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मैं तुम्हें डराने नहीं वाली हूँ कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं आ जाए, ये भी कर लो वो भी कर लो, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें क्या? एक कोई तो लिख रहा है कि सॉरी मैम बट थोड़ा ज़्यादा हो गया ओवर। अच्छा भाई, एक और दो, दो स्टेप बनाने में बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे फिर तुम कैसे करोगे पूरी बायो को? दो स्टेप तुम्हें बताए कि तुम्हें समझ में आए चीज़ें, वो तुम्हारा ओवर हो गया दो ही स्टेप में। भाई तुमसे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर क्या करें तुम्हारा ऐसे बच्चों का जो दो स्टेप में ही जिनका ऐसे हो जाता है कि भाई हाथ पैर फूल जाते हैं, हमसे ना हो पाएगा। हैं, क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, फिर कैसे याद रखोगे पूरी बायो, कैसे याद रखोगे पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इफ ओनली टू स्टेप्स कैन शेक योर कॉन्फिडेंस? देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? समझाने के लिए एक बात बताई थी ने कि भाई एंटी सेंस और सेंस का क्या यहाँ पे लेना देना है। नहीं जी, दो स्टेप हो गए मैम, बहुत ज़्यादा हो गया मैम, क्या बात है, ये इतना तो नहीं ना हो पाए, हमसे तो ना हो पाए। वो बच्चों कल वाली बात याद आ रही है मुझे ना, वो सचिन वाली बात याद आ रही है मुझे कल वाली। हाँ याद है तुम्हें, जो हम अपने क्या कहते हैं स्पेशल क्लास में, सचिन वाली बात याद है आप लोगों को? याद है? हाँ एकता, हाँ एकता, एकदम से मुझे वो बात याद आ गई। चलो फिर से देखो, आ जाओ। क्या करा हमने? नेमेटोड के ही जीन निकाल लिए। क्यों? क्योंकि भाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीन, जैसे कि मैंने यहाँ पूछा था, हाथी के पास नहीं होंगे, डॉग के पास नहीं होंगे, कैट के पास नहीं होंगे, मक्खी के पास नहीं होंगे, मच्छर के पास नहीं होंगे, इसी के पास होंगे, इसी को हमने साइलेंट करना है। ओके चलो, तो इसके जीन्स हमने कहाँ डाल दिए? टोबैको में डाल दिए, डीएनए बना नॉर्मल। लेकिन भाई जो डीएनए था उसमें हमने एक और जीन ऐड करा था जिससे वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाए, हम चाहते ही हैं, इसलिए हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाया जानबूझकर। क्या करा हमने? हाँ हाँ यार, केशव बोल रहा है सचिन कौन है मैम, मुझे नहीं पता यार, डालना सचिन और सीमा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना, आरएनए बहुत बड़ा है बच्चे, आप उसको ऐसे नहीं है कि बस एक मिनट में सब डिग्रेड कर दिया और फिर एंटीसेंस लगा दिया, नहीं, आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। इन टुकड़ों को हमने क्या बोला, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कर दिए। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और कॉम्प्लेक्स, एक और प्रोटीन छोड़ा जो क्या करेगा, इन स्ट्रैंड्स को एक तो ओपन कर देगा और आपका जो ये वाला स्ट्रैंड था सेंस स्ट्रैंड उसको डिग्रेड कर देगा। तो आपके पास एक ही स्ट्रैंड रह गया विच इज़ एंटी सेंस स्ट्रैंड। आप यही तो चाहते थे, ये काम किसने करा? रिस्क ने करा। ठीक है, रिस्क ने ये रिस्क लिया है बच्चों, रिस्क ने ये काम कर दिया।
ओके, अब ये एंटी स्ट्रैंड कहाँ जाके लग जाएगा? नेमेटोड के आरएनए पे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टू एंटी स्ट्रैंड ही एंटी सेंस ही होता है, सेंस नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको ढक दिया तुमने, अब कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, मर जाएगा, और ये बेचारा नेमेटोड है जो मर चुका है। ठीक है, ओके, डन 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 डन। आर वी डन विद दिस? सबको समझ में आया? और सब बच्चे जसमीत की बात सुन लो, हाँ, मेरी प्यारी प्यारी सी जसमीत कौर की बात हर कोई सुनेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात बोली है। सेशन को लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो, कोई जाता नहीं है तुम्हारा, कुछ जाता नहीं तुम्हारा। ओके, थैंक यू रिंग ऑफ एजेंट, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलो चलो, अब हम करेंगे एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो बच्चे, तीन चीज़ों में हम ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को। नंबर वन आज हम कर लेंगे, दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आज हम इंसुलिन बनाएंगे। इंसुलिन बनाने के लिए मेरे साथ कौन कौन सुपर एक्साइटेड है? कौन कौन सुपर एक्स? नहीं बच्चे, बिना तोड़े नहीं लगा सकते, आरएनए बहुत बड़ा है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो, तो छोटे छोटे टुकड़े। ये तो वही बात होगी कि मैम आप ना आज ही बायो का पूरा मैराथन लेके ना एक ही दिन में सारा बायो पढ़ा दो। क्या अगर मैं आज आपको पूरा बायो एक दिन में पढ़ा दूंगी, वो कुछ इसका कोई सेंस बनेगा? बोलो, कोई सेंस बनेगा क्या इस चीज़ का? थोड़ा दिमाग लगाया करो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, यस, ठीक है, चलो। अच्छा, रिंग ऑफ एजेंट, आज हम ये वाला पोर्शन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अब अगले दो दिन के लिए बच्चे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं आज शाम को आपको अपडेट कर दूंगी, बाकी ये मंडे को हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। बस एक बार मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं तो हमारी तकलीफ सारी दूर हो जाएंगी। तो हम बनाएंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आ जाओ, कितने बच्चे थे एक्साइटेड? यस यस यस, चलो निकल गए, कुछ बच्चे निकल गए, बढ़िया बात है, है ना। उतना ही अपना कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर बैठने का जज्बा नहीं, जिसके अंदर बैठने का जज्बा नहीं, वो क्या तो डॉक्टर बनेगा यार, जो एक घंटा नहीं बैठ पा रहा है, जो दो घंटा नहीं बैठ पा रहा है, वो क्या तो डॉक्टर बनेगा? और अगर बन भी गया तो कैसा डॉक्टर बनेगा वो? वो बोलेगा कि भाई मेरा ना पेशेंट आएगा, बोलेगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, तो डॉक्टर तो बोलेगा अच्छा सिर्फ 30 मिनट में होता है तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तुम्हारे पास नहीं आने वाला कोई, वैसे तो तुम डॉक्टर बनोगे नहीं, अगर गलती से बन गए तुम्हारे पास कोई आने वाला नहीं है। तुम्हें बच्चों जो छोड़ छोड़ के बीच में सेशन जाते हैं ना, उनको कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए अपना। डॉक्टर तो नहीं बन सकते तुम, ना बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो हम बात करेंगे इंसुलिन बनाने की। तो पहले ना इनिशियली इंसुलिन, मैं तो देखो बच्चे सीधी बात बोलती हूँ,
मुझे तुम्हें प्यार प्यार करके शुगर कोटिंग करके बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको वो प्यारी प्यारी बातें हेल्प नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं तुम ऐसे कर लो तो भी हो जाएगा, नहीं होगा। इट्स वेरी क्लियर, नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे एक घंटा डेढ़ घंटा नहीं बैठ पा रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं है टॉपर्स बच्चे क्या क्या कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी पढ़ाई पे यार, सात सात आठ आठ घंटे कोचिंग में लगाएंगे, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करेंगे, बट यू थिंक कि भाई नहीं ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा। मैं तो शुगर कोटिंग कर ही नहीं सकती हूँ, जो बात है वो बात है। तो आप अपना ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढ लीजिएगा, नहीं बाद में पछताओगे, बोलोगे मैंने तो सारा टाइम लगाया था जी, मैंने तो मेहनत करी थी, मैं तो जाता था, नाटक तो करा था मैंने तैयारी करने का, फिर मेरी तैयारी क्या कहते, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ भाई? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यू आर नॉट सीरियस। इनिशियली इंसुलिन हमने एक्सट्रैक्ट करा था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्लॉटर्ड, ठीक है, कैटल्स, जो कैटल्स को मार देते थे, पिग्स को मार देते थे, वहाँ से हमने इंसुलिन निकाला। लेकिन इसका साथ एक गड़बड़ थी कि ये एलर्जी कर देता था। क्यों करता था एलर्जी? क्योंकि किसी और का प्रोटीन है तो एलर्जी तो करेगा ही, खुजली हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे। अब हमने बोला कि फिर सोल्यूशन क्या है, ठीक है, हाँ हमने बोला कि सोल्यूशन क्या है। मुझे पता है बहुत बच्चे तो सीरियस हैं, हमने बोला कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि हम इंसान का इंसुलिन बना ले। तो हमने बोला कैसे बनाएंगे, फिर हमने बोला पहले ना एक बार जरा स्ट्रक्चर देखते हैं इंसुलिन का, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो तुम भी देखो इंसुलिन का स्ट्रक्चर, यहां पे बनाती हूं मैं। इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चे, इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, वन टू टू, ब्लू कलर से बना दें एक, एंड थ्री, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर क्यों लिए, क्योंकि अलग अलग हैं। एक सेकेंड इसको फिर से बनाती हूँ, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, ठीक है जी। ये हैं आपके क्या, ये हैं आपका इंसुलिन, लेकिन ये इंसुलिन को हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं, दिस इज नॉट एक्टिव, इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, प्रो हार्मोन भी बोल सकते हैं, दिस इज इनएक्टिव। अब जरा हम इनकी चेन्स के बारे में लिख लें। जो ये येलो चेन है इसको हम बोलेंगे, मतलब अब और तुम्हारी बॉडी में येलो नहीं दिखती है ये, बस मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे ये येलो कलर की मैंने बनाई है, इसको बोला जाएगा सी पेप्टाइड। इसमें बच्चे कितने अमीनो एसिड्स होंगे, 31 अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, देखा है लॉन्गेस्ट चेन है। देन यू हैव ए पेप्टाइड, ये वाला क्या है, ए पेप्टाइड है, इसके पास कितने हैं, इट हैज़ 21 अमीनो एसिड्स। देन यू हैव बी पेप्टाइड, दिस वन इज बी पेप्टाइड, ठीक है, इसके पास होते हैं 30 अमीनो एसिड्स, ओके। तो ये है तुम्हारा प्रो इंसुलिन, काम नहीं करेगा ये। ये काम कब करता है, ये काम तब करता है जब आप यहाँ से रिमूव कर दोगे सी पेप्टाइड को। तो ये रहा अपना सी पेप्टाइड, मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो वी विल राइट रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड को, हमने रिमूव कर दिया। तो बच्चे अब जो बचे हुए थे आपके, दो पेप्टाइड बचे हुए थे, ये और ये, ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे, किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, कौन सा कलर लूँ, ये कलर ले लेते हैं, चलो इन दोनों को हम जोड़ देंगे किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से मैंने जोड़ दिया। क्या करा मैंने, सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया, और ये जो आपका ए है, दिस इज ए,
दिस इज बी, और जोड़ा किससे? डाई सल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया, डाई इसको हम इंसुलिन बोलते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इंसुलिन. ठीक है ना, इसको हम इंसुलिन बोलते हैं, इसको नहीं बोलते. फिर से देखो, आपकी बॉडी जो इनिशियली बनाती है उसके पास तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ए बी एंड सी. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन. ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होता है. जब आपकी बॉडी इसमें से सी को रिमूव कर देती है तो उसको हम इंसुलिन बोलते हैं. ए और बी जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, फिर इसको हम इंसुलिन बोलते हैं. ठीक है, चलो ओके. नेक्स्ट, अब भाई नेक्स्ट बारी आई कि इंसुलिन बनाना है. आपको पता है हमें सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज में आ रही थी इंसुलिन बनाते हुए? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इन चेन्स को अलग करके सी चेन को रिमूव ही नहीं कर पा रहे थे. मैंने ये तीनों चेन तो बना ली थी, प्रो इंसुलिन मैं बना पा रही थी, लेकिन प्रो इंसुलिन से मैं इंसुलिन नहीं बना पा रही थी लैब में. अब इसका सोल्यूशन क्या निकालें, क्योंकि हम सी को रिमूव ही नहीं कर पा रहे थे. अब इसका सोल्यूशन निकाला एक कंपनी ने, जिसको हम बोलते हैं एली लिली. द नेम ऑफ द कंपनी इज एली लिली. इन द ईयर 1983 इन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया. दिस वॉज अ अमेरिकन कंपनी. ठीक है, ये क्या थी? एक अमेरिकन कंपनी थी. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आगे देखो, चैलेंज क्या था? गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म. हमने क्या करा? हमने एक समझदारी की काम, हमने नहीं मतलब ये इस कंपनी ने करी, मैंने तो कुछ नहीं करा था. डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए चेन, बच्चे हमने अलग से ए और बी चेन बना ली, क्योंकि तोड़ना मुश्किल हो रहा था, जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सी निकाल नहीं पा रहे, तो हमने सोचा ए और बी अलग से बना के जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. तो सीक्वेंस ऑफ ए जीन एंड सीक्वेंस ऑफ ए चेन एंड सीक्वेंस ऑफ बी चेन. फिर क्या करेंगे, इसको प्लाज्मिड में डाल देंगे. ये तो करना पड़ेगा ना. फिर क्या करेंगे, इसको होस्ट में डाल देंगे, विच इज ऑब्वियसली ई कोलाई. अब ये ई कोलाई क्या करेगा, एक्सप्रेशन शो करेगा और आपका चेन ए बना देगा. बना दिया, चेन ए बना दिया इसने. सिमिलरली यही सारे स्टेप्स हम उधर भी कर देंगे. ये लो कर दिए, बस यहाँ पे चेन बी लिखने दो मुझे एक ही जगह. ये बन गया आपका चेन बी. ठीक है जी, ओके. अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा. बताओ ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो
क्या ये बात सबको क्लियर हुई? कैसे बना? क्योंकि भाई हम अलग तो कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने बोला अलग नहीं होगा, अलग नहीं हो रहा, अलग नहीं हो रहा। तो हमने बोला अच्छा, अगर अलग नहीं हो रहा तो हम दोनों चेन्स ही अलग से बना लेते हैं। तो हमने ए चेन बना ली, बी चेन, सी चेन बनाई ही नहीं, और दोनों को जोड़ दिया और बना दिया ह्यूमन इंसुलिन। बात ख़त्म। पैसा हजम, पैसा हजम हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो, अरे बता दो, अरे बता दो। हाँ यार, बस यही स्टेप फॉलो करने आ रही ना। आपने ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमिलिन बना लिया। अब एक बार एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा मेरे साथ? फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। हु वॉन्ट्स मी टू रीड एनसीईआरटी? या फिर एनसीईआरटी ना पढ़ूँ क्योंकि तुम भाग जाते हो बीच में? और जो बच्चे अभी आए हैं, कम ऑन, लाइक द सेशन, सेशन को लाइक करके जाना क्या है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है बालको, ठीक है? यस, हाँ चलो आ जाओ। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, सेवरल नेमेटोड, पैरासाइट्स, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब नेमेटोड मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटिया इम्पॉर्टेंट, क्या करता है? रूट्स में चला जाता है, क्या नॉट बना देता है, नॉट डिजीज बना देता है। अब एक स्ट्रैटेजी हमने अपनाई जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस बच्चे क्या है? आपके बॉडी का नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। दिस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवा के चुप करवा देते हैं। और इसके सोर्स क्या हैं? वायरस का इन्फेक्शन हो गया या फिर ट्रांसपोजोन्स की वजह से आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। ओके, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। देखो हमने क्या लिए थे, जीन कहाँ से निकाले थे? हाथी के लिए थे, गधे के लिए थे, घोड़े के लिए थे? नहीं, नेमेटोड के लिए थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ एंटी सेंस एंड सेंस आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। चलो, दीज टू आरएनए बीन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्मड अ डबल स्ट्रैंडेड डी, ये आरएनए बना दिया। और फिर इसकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो गया। और बच्चे यहाँ सीधा आपकी किताब में लिख दिया, साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ द नेमेटोड। ऐसा नहीं होता। हमने देखा कि पहले आरएनए के टुकड़े हुए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ, रिस्क ने आके आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया और सेंस स्ट्रैंड को निकाल दिया। फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड ने नेमेटोड के मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर दिया। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा था और फिर वो मर गया। ठीक है, आप देख लो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबली बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इंसुलिन ले सकते हैं। व्हाट वुड बी अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल? भाई, एक डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन नहीं मिला तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज द सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ? वुड इट नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स? यस यस यस, एलर्जी होगी, ये बात करी थी हमने। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। ईकोलाई ने बनाया तो है। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। बायो रिएक्टर्स में आप बहुत सारे बैक्टीरिया रख दो, जितना इंसुलिन बनाना है बना लो। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। नॉट, वाई वाई क्यों? मैं इसका आंसर नो नो क्यों बोल रही हूँ बच्चे? वाई एम आई सेइंग नो? अच्छा, ओम बोलो बोलो, फटाफट से बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगी ऐसी बातें ना, मैंने नहीं बतानी। देखो, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओगे। ओके निवेदिता, गुड। ब्लड शुगर, वेरी गुड अमरजोत। क्योंकि आपको ब्लड के शुगर को कंट्रोल करना है तो आप ओरली खा के क्या करोगे?
पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आपको बच्चे ब्लड के शुगर को कंट्रोल करना है, तो यू कैन नॉट एडमिनिस्टर, ओरली नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सीधा जाना चाहिए आपके ब्लड में, इसलिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ओके, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉट अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग, और इसकी वजह से क्या होता था, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे क्योंकि ये आपका प्रोटीन नहीं था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड बी, दे आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये हमने देखा अभी, ये देखो, ये हमने देखा अभी। ओके, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वो मेच्योर कब होता है, जब उसमें से आप सी पेप्टाइड रिमूव कर देते हो, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच को जब आप रिमूव करते हैं, तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। ओके, द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ड्यूरिंग आर डी एन ए टेक्निक वॉज गेटिंग असेंबल्ड इन टू मेच्योर फॉर्म, यू आर नॉट एबल टू रिमूव सी चेन, आपसे नहीं लग रही थी, तो आपने क्या करा, एली लिली ने क्या करा, इसने बच्चे दो चेन ही अलग से बना ली, ए और बी चेन अलग से बना ली और फिर उसको जोड़ दिया, अलग बना के जोड़ दिया और बना दिया ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। कल हम जेनेटिक, कल नहीं मंडे को करवा पाऊंगी, जीन थेरेपी एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह हम कल कर लेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास नहीं है बच्चे, अभी तो मेरी 6 बजे वो क्लास है, प्लस की क्लास है, जिसमें मैं आज इम्यूनिटी और ड्रग एब्यूज़ करवाने वाली हूँ। तो जो जो बच्चा लेने का सोच रहा है ना सब्सक्रिप्शन, यही टाइम है, लेके फटाफट से आ जाओ, 6 बजे मेरी क्लास भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और मतलब डाउट सॉल्विंग भी हो रहा है बहुत अच्छे से, एक प्रॉपर ऐसे माहौल में तुम पढ़ रहे हो जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बच्चे ये वो टाइम है जहाँ आपको, अब इस टाइम पर ये नहीं सोचना कि EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इफ़ यू कैन अफोर्ड ना देन यू शुड गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, और कोड तो बस गार्गी लगाना है, क्योंकि गार्गी मैम के जितना कंसिस्टेंट कोई है नहीं। ओके, मैं आपके लिए जितना परवाह करती हूँ ना, उतना आपको कोई मिलेगा नहीं, और सो यू हैव टू बी विद दोज पीपल जो आपको सच में दिखते हैं, जिनके एक्शंस में दिखता है आपको, जो बोलते हैं नहीं, जिनके एक्शंस में आपको दिखती हैं चीज़ें। मैं अपने आप को तकलीफ दे दूंगी लेकिन तुम्हारा सब काम करवा के जाऊंगी। यस, एंड दिस इज योर होमवर्क, एंड होमवर्क का आंसर मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है जी। कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, कुछ समझ में ना आया तो दिल दे देना, दिल दे देना, तुम दिल दोगे तो हमारा दिल भी खुशी से बागबान हो जाता है। होमवर्क का आंसर दे देना बच्चों। कल मैंने ना अपने YouTube चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो डाली थी, बड़ा मेहनत लगी थी यार मेरे को, मुझे पता है मैं तुम्हारी वो वायरल वीडियोस नहीं लेती हूँ कि ये आ गया वो नोटिफिकेशन, ऐसा नोटिफिकेशन, दैट इज़ समथिंग जो मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वही करना चाहिए, क्योंकि तुम उसी पे तुम उसी को देखने आते हो एट द एंड ऑफ द डे, एक टीचर को जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा है। मैं तो तुमसे ना यार बच्चे बिल्कुल ऑनेस्ट बात करती हूँ, कोई बीच में कोई फिल्टर नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे टीचर को ये भी देखना होता है कि उसके व्यूज़ जाएँ, लेकिन तुम ज़्यादातर उन्हीं वीडियोस को आके देखते हो, यू डोंट वॉच दोज वीडियोस जो एक्चुअली तुम्हारी हेल्प करती हैं। तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जो एक्चुअली तुम्हारी हेल्प के लिए था, ना कि कोई वायरल वीडियो, ना कि कोई हॉट टॉपिक। एनीवे, लगता है वही करना पड़ेगा हमें भी, है ना। यस, चलो ओके, चलो ठीक है। हाँ जी, यहाँ एक मिनट, मेरे को रोस्ट करने का मन कर रहा है बच्चों, मैं रोस्ट कर दूँ क्या एक को, किसी एक को, एक एक इंसान है जिसको रोस्ट करने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, कर दूँ क्या, बोलो, तुम बोलो तो कर दूँ, अरे बड़ा मन कर रहा है, मस्त रिप्लाई है मेरे पास, हैं, कर दूँ, यस, अच्छा जी, हाँ तुम्हें पता चल गया किसको, तो ये जो बोल रहे हैं, मैम आपकी आवाज़ मर्द की तरह लग रही है, अबे तो मर्द की आवाज़ होने में कोई बुरी बात है क्या, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मर्द की आवाज़ होना बुरी बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें,
बेवकूफ कहीं के, ये लगता है लप्पू सा सचिन और झिंगुर सा सचिन, ये वही है। चलो क्या बुरी बात है इसमें, अगर अपनी आवाज मर्दाना है तो बहुत बढ़िया बात है, सही है। ओके यस चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय। चलो बाय बाय बाय।